आज का दिन भारत की सुर्खियों में सबसे ऐतिहासिक दिन है। आप अच्छी तरह से जानते हैं आज 26 जुलाई है, और 26 जुलाई का महत्व क्या है ये वो सब लोग जानते हैं जिन्होंने भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का कुकर्म जो है वो शाना बशाना देखा सुना और जाना है। आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई का महत्व है कारगिल दिवस को लेकर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1999 में किस तरह से भारतीय सेना ने उस मुश्किल घड़ियों में पहुंचकर पाकिस्तान को खदेड़ बहाया था उन ऊंचाइयों से, कारगिल हाइट से, और किस तरह से विजय प्राप्त की थी। ये एक विजय नहीं थी, इससे पहले भी 1947 के बाद अगर देखा जाए तो 65-71 और बहुत से ऐसी जंगें और लगातार जो घुसपैठ है और टेररिज्म है उसके ऊपर भारत कैसे विजय रहा। मेरे साथ आज कर्नल सुशील सिंह पठानिया जी हैं। इन्होंने कारगिल के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा इनका इतिहास है, इन्होंने उस पर काम किया हुआ है, लिखा हुआ है, जाना हुआ है। आज वो हमारे साथ हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम इनसे आज के दिवस पे बातचीत करना चाहते हैं। कर्नल साहब आपका बहुत थैंक यू। विक्रम जी, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि हम कारगिल पे कुछ बात करें जी। सो मैं तैयार हूँ सर, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं। कर्नल साहब, सवाल तो खास नहीं है लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कारगिल की बात 1999 में, उससे पहले पाकिस्तान मिलिट्री ISI ने किस तरह से वो हाइट्स पे चढ़े और इंडिया को किस तरह से पता लगा और फिर इंडिया ने कैसे रिटेलिएट किया, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे, आप भी उसको अच्छी तरह से, यू आर द आई विटनेस ऑफ ऑल दोस थिंग्स, तो एंड इन 2000 इटसेल्फ यू हैव बीन देयर। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो एंटायर एपिसोड है ये किस तरह से। देखिए विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं उन 527 शहीदों को नमन करता हूँ, पूरे देश को विजय दिवस की, कारगिल विजय दिवस की मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का मोमेंट है जिसके अंदर हमारी तीनों आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, प्रीडोमिनेटली आर्मी ऑपरेशन था लेकिन उन्होंने बहुत बड़े योगदान दिया और हम पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उनको पूरी तरह से कुचल सके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके जो शहीदों के जो परिवार हैं कि पूरा देश जो है हमेशा उनके साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा, तो उनको किसी भी कदम पे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भी हर संभव मदद हो रही है की जाएगी और उसमें उनको प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की विजुलाइजेशन करने की। अभी हम कारगिल की बात करते हैं। देखिए एक बड़ा धोखा हुआ था हमारे साथ जी। February 1999 में हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे वो बड़ी धूमधाम के साथ लाहौर जाते हैं बस में जी। और उसके 3 महीने बाद तकरीबन अप्रैल के अंदर, क्योंकि कारगिल युद्ध 85 दिन के करीब चला था जी। और इसमें 1300 हमारे जख्मी हुए थे, 527 ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पाकिस्तान की जो फिगर्स हैं वो काफ़ी हाई हैं लेकिन उनका कोई अथेंटिकेशन नहीं मिलता बिकॉज आर्मी अलग क्लेम करती है, नवाज शरीफ का और जिन्होंने वाइट पेपर निकाले उसके अंदर सब अलग अलग क्लेम्स हैं, तो उसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है जी। तो ये हुआ क्या कि जब द्रास की हम बात करते हैं वहाँ पर हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो बहुत थिन था जी। और वहाँ पर कंसेप्ट ये था कि जो विंटर के अंदर जो फॉरवर्ड पोस्ट थे उनको वैकेट किया जाता था जी। और सर्विलेंस के जो मीन्स थे वो भी ज़्यादा एडिक्वेट नहीं थे, लाइक वी कुंड मेंटेन द सर्विलेंस ऑन द एंटायर पैच एज सच। सो एज अ रिजल्ट मुशर्रफ, बहुत ही कनिंग जनरल था, उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया बगैर नवाज शरीफ को कॉन्फिडेंस में लिए हुए और यहाँ पर उन्होंने घुसपैठ शुरू कर दी। अभी उसके बाद काफ़ी देर के बाद गडरियों के थ्रू, क्योंकि जब मैं द्रास में कमांड कर रहा था तो उस समय कुछ गडरी अपने, जब थोड़ा मौसम ठीक हो गया ग्रेजिंग के लिए गए तो उन्होंने कुछ वहाँ पे बंकर देखे, संगढ़ जिनको बोलते हैं, और उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंस भी देखी पाकिस्तानी सोल्जर्स की, तो उसके बाद ये सारा ऑपरेशन वहाँ शुरू हुआ था जी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 16,000 से लेके 19,000 फीट के एरिए के अंदर जहाँ पे हाई अल्टीट्यूड है, आपको सांस लेने में 3 कदम के बाद प्रॉब्लम आ जाती है, रात के अंधेरे में 45 दुश्मन संगढ़ में बैठा हुआ एमुनिशन के साथ, आर्टी स्पोर्ट के साथ, मोटर स्पोर्ट के साथ, उसके ऊपर अटैक करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल था लेकिन हमारे जो शूरवीर सोल्जर और हमारी जो आर्मी की जो लीडरशिप थी उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया और इस युद्ध की मिसाल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकती है जी। तो ये सब उन लोगों के साहस और बिकॉज हमारी इंडियन आर्मी से बेसिकली अफसर लेड,
और आपने देखा होगा कि कितने हीरो वहाँ पे है। और ये पहला ऑपरेशन था जो पूरी मीडिया ग्लेयर के अंदर हुआ, इसमें युद्ध की हर जो खबर है वो हर घर में पहुँच रही थी। सो दैट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद अभी करेक्टिव मेजर्स लिए जा चुके हैं, हमारी जो डिप्लॉयमेंट था उसको स्ट्रेंथन किया गया है। तो मेरे को नहीं लगता है कि पाकिस्तान कभी भी फ्यूचर में ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि वो इस तरीके की चीज़ों को रिपीट करे। ये कर्नल साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, ये करगिल की आपने जो पूरी हमें हिस्ट्री बताई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव थी जिन्होंने कर्नल साहब ने हमें बताया। आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर बात करना चाहता हूँ थोड़ा, कि सिंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 देयर आफ्टर पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज कंडक्टिंग सम मतलब कोई ना कोई मिसचीवियस जो वो उनकी है ना हरकतें वो चलती रही। 1965 वॉर they were defeated, 1971 war they were defeated, and then after that the surgical strikes even in Balakot jo hai kiya hai. aur aaj ki agar main aapko jo sabse badi surkhi hai wo bataun ki hamare jo defense minister Rajnath Singh ji hai unhone bola ki ab hum cross LOC bhi jayenge ki agar koi Pakistan se mischief hota hai. to sir main aapse ye baat janna chahta hu ki itne lambe itihas mein jab Pakistan ye harkatein kar raha hai to isko khatam kaise karna hai? dekhiye 47-48 के अंदर जब कवायली इंकर्शन हुआ था जिसमें हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपना बलिदान दिया था, 100 बंदों के साथ वो लड़े थे, तकरीबन 10,000 कवायली के साथ उड़ी के अंदर, उसके बाद बुनियार एंड बैकवर्ड्स। पाकिस्तान जो है वो इस गलतफहमी में है कि कश्मीर उनका हिस्सा है जी। ये उनकी अम्बलिकल कार्ड बन चुकी है जी। इस इशू को उन्होंने हर जगह रेज करने की कोशिश की, हर जगह उनको दुत्कार मिली, इवन यूएन ने उनको एंटरटेन करने से मना कर दिया जी। उसके बाद 65 की लड़ाई के अंदर उन्होंने सोचा कि हम अमेरिकन जो हमारे पास वेपन्स और टेक्नोलॉजी है उसके बल पे इंडिया को हरा सकते हैं जी। उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। 71 के अंदर जब पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए तो उस समय लोग ये भी कहते हैं कि जब इनके कैडेट वहाँ पे कमीशन होके पास आउट होते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपने 71 की वॉर का बदला लेना है। तो ये उनका माइंडसेट बन चुका है। उस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान जो है इस समय आर्मी और आईएसआई वो सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। वो जब भी चाहें देश में परिवर्तन कर सकते हैं। पॉलिटिकल जो इनकी जो पावर है वो खत्म हो चुकी है, टोटल रेट है। कॉल्स आर बीइंग शॉट बाय द आर्मी एंड देन देयर आर्मी एंड देयर जर्नल्स दे आर इंडल्जिंग इन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स, यस। वो ड्रग्स का भी काम करते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा शैतान जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बन चुकी है जी, जी। और कोई भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनके पास वो सोल्यूशन नहीं है कि इनको निकाला जाए। और जब तक इंडिया के साथ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चलती रहेगी तब तक आर्मी और आईएसए का वजूद है। जिस दिन ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आर्मी एंड दिस आईएसआई विल स्टॉप देयर, यू नो, दे विल लूज देयर एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी एंड पावर विच दे आर एंजॉइंग, सो दे डोंट वांट इट। बट कर्नल साहब, एक वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो टर्माइल पाकिस्तान में, पॉलिटिकल टर्माइल जो अभी हुआ है, इमरान खान आउट हुआ, उसके बाद दूसरी केयर टेकर सरकार, अब वहाँ पर इलेक्शंस की बात भी है। बट ऐसी डीप स्टेट को जो फंडिंग है, मतलब IMF भी फंड करा, अभी रिसेंटली कितने बिलियन डॉलर्स का उनको लोन मिला है नया, वाई दीज पीपल, माई वाई दीज आई मीन ग्लोबल थिंग्स जो है दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान व्हेन दे नो इट्स अ डीप स्टेट, इट इज़ आई मीन प्रोपगेटिंग टेररिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया इटसेल्फ। एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर है, एक तरफ ये है, तो देर शुड बी आई मीन सोल्यूशन आउट समवेयर सो दैट इंडिया। देखिए, सोल्यूशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जी, उनका शिकंजा इनके ऊपर था, दे कुड हैव कम इन द ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, दे वांटेड देन सम काइंड ऑफ ए कंप्लाइंसेस टू बी कंप्लीटेड। IMF ने इनको लोन देने के लिए मना कर दिया था जी। लेकिन अभी जो USA है दे आर कॉलिंग द शॉट, यस, इट इज़ कॉलिंग द शॉट। सारी जो अभी FATF का जो शिकंजा इनके ऊपर पूरी तरह से कसा हुआ था उसको उन्होंने ढीला कर दिया। IMF को जब तक USA नहीं बोलेगा तब तक वो फंड नहीं देंगे, कुछ 2-3 बिलियन डॉलर उन्होंने दे दिए। लेकिन उस कंट्री की इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, देखिए इनके पास तकरीबन 3 या 4 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। FIFA जो हमारी फुटबॉल की है उनके पास 6 बिलियन डॉलर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इनको 2 बिलियन डॉलर की या 3 बिलियन डॉलर की अगर सऊदी अरेबिया भी देता है, चाइना ने मना कर दिया अभी, तो कितनी देर ये सर्वाइव कर पाएंगे जब तक इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबलाइज नहीं होगा। और वो तब तक नहीं होगा जब तक इनके अंदर जो इनके पॉलिटिशियंस हैं
वो हमारे पॉलिटिशियन से भी बदतर है, मैं आपको बता रहा हूँ जी जी, क्योंकि वो हमारे पॉलिटिशियन एटलीस्ट अपना पैसा बाहर ले जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, ये बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं और इनको वहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अभी। अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं इनकी जो सीपैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गदावर पोर्ट पे जा रहा है, वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू जा रहा है। चाइना हैज़ मेड अबाउट 6 बिग डैम्स इन गिलगित पाकिस्तान बाल्टिस्तान के अंदर। अभी क्या हम उस पोजीशन में हैं कि हम चाइना के खिलाफ जाके पीओके के ऊपर अटैक कर पाए? डाउटफुल, बिकॉज ये तीनों न्यूक्लियर नेशंस हैं। बट सर, ये सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन ये है कि हमने कई बार मीडिया में भी सुना है और इवन हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सेंट्रल लीडर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अब बारी पीओके की है। इज इट फॉर पब्लिक कंसम्पशन ओनली? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, इट्स नॉट दैट इजी। जहाँ तक सोल्यूशन की बात है, अगर हम इस अपने डिस्प्यूट की देखें, तो अभी LOC डिमार्केट हो रखी है, IB आपकी डिमार्केट है। सो बेस्ट वे टू माई माइंड इज दैट लेट्स एक्सेप्ट इट एंड लिटिल बिट ऑफ यू नो ट्रेड ऑफ कैन बी डन यू नो सो दैट वी हैव ए परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। देखिए, अटैकिंग POK विद चाइना, अगर कल को ऐसी सिचुएशन आती है, देखिए इसमें क्या चल रहा है। इनका अब बलूचिस्तान ले लीजिए, इनका POK वाला एरिया ले लीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसेंट है, बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बहुत, अगर वहाँ से पब्लिक अपराइजिंग निकलती है उस हद तक, देन एनीथिंग कैन हैपन एंड इन दैट कंडीशन प्रोबेबली चाइना विल आल्सो नॉट इंटरफेयर। नो नो, इट मे नॉट इंटरफेयर, मे नॉट इंटरफेयर एट दैट टाइम। अगर पब्लिक अपराइजिंग होती है तो चाइना मे नॉट इंटरफेयर, बिकॉज चाइना इज अ वेरी सेंसिबल नेशन। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये अपनी पब्लिक को कंटेन करके रखेंगे और उसके बाद इंडियन आर्मी जो है, क्या वो इस पोजीशन में आएगा, इंडियन आर्म फोर्सेस दैट दे अटैक POK? वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। एंड सर, जो ये इन्फिल्ट्रेशन है, मतलब नाउ इट इज़ वेरी लेस, इट हैज़ लेसन्ड ओवर द टाइम। हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि आप इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन बट स्टिल ओवरग्राउंड वर्कर्स, टेररिस्ट, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रेजिडेंट, देन टेररिस्ट हैव टेकन अ न्यू फॉर्म आल्सो, मतलब वो जाते हैं जाके वो सिलेक्टिव किलिंग, हाइब्रिड टेररिज्म की बात कर रहे हैं। हाँ, यस, वो भी है, सिलेक्टिव किलिंग भी है। तो ये इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई वर्क्ड अ लॉट ऑन दिस इशू। यू सी व्हाट इज हैपनिंग, इनिशियली अगर आपने देखा होगा कि हमारा जो पाकिस्तान की जो ISI या आर्मी का जो थ्रस्ट था, वो ये था कि कश्मीर रीजन के अंदर आग लगा के रख सके। जी बिल्कुल। जम्मू रीजन वाज कंपैरेटिवली वेरी क्वाइट, खासकर ये पुंछ राजौरी एरिया। ऑफ लेट आपने देखा होगा पिछले एक साल से इनके जो मॉड्यूल पकड़े गए हैं कठुआ, जम्मू, सांबा, सब जगह। नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट और कन्फ्लिक्ट फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू, सो दैट बोथ द रीजन्स आर इक्वली अफेक्टेड बाई द मिलिटेंसी and that power of switching over forces that is reduced. मान लीजिए सारी चीज़ें कश्मीर में हो रही हैं, तो इंडियन नेशन एज ए नेशन वी हैव ए पावर कि यहाँ से फौजें उठाएँ, बंदे उठाएँ, वाइंड अप कर दें, उसको कंटेन करें। लेकिन अगर दोनों रीजन जो हैं वो इक्वली जल रहे हैं, तो आप अपनी फोर्सेस को स्विच ओवर नहीं कर सकते। दूसरा, इस एरिया के अंदर जो ड्रोन है वो बड़ा इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है प्लेन्स के अंदर। मैं IB से लेके आप चले जाइए LOC तक, कश्मीर में उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो द ड्रोन इज अनदर फोर्स मल्टीप्लायर। सो अनलेस वी हैव इफेक्टिव एंटी ड्रोन मेजर्स विद अस, वी कैन नॉट काउंटर इट। दूसरी चीज़ जो है, अगर जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी है इस समय, दैट इज रिएक्टिव है। एक चीज़ होती है, हम उसको रिएक्ट करते हैं, वी डोंट हैव ए प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। एंड एट द मोमेंट वी आर फेसिंग डबल वैमी ऑफ नैरको टेररिज्म एंड टेररिज्म। ट्रू, वेरी ट्रू। नाउ टू टैकल इट वी हैव टू गो ऑल आउट। हमें अपने जो स्लीपर सेल्स हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, ओवरग्राउंड वर्कर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, सिंपेथाइजर्स जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बैठे हुए हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं, देखिए चीज़ें सुधरी हैं, कोई शक नहीं है, बट इफ़ वी से दैट वी आर मिलिटेंसी फ्री, वी आर नॉट बिकॉज अभी भी आप देखिए टारगेट किलिंग चल रही है माइनॉरिटी के अगेंस्ट। और कभी वो जब उनकी विल होती है पुंछ राजौरी में कांड कर देते हैं या वहाँ कांड कर देते हैं, वो तो चल रहा है। सो अनलेस वी हैव ए इफेक्टिव स्ट्रेटजी वेयर द इंटेलिजेंस पीपल दे हैव टू प्ले वेरी ग्रेटर रोल,
तो जब तक वो नहीं हो पाएगा इसके ऊपर काबू करना मुश्किल है। एंड नैरको टेररिज्म टेररिज्म हैज़ टू बी टैकल इन द सेम वे। दैट्स व्हाट आई हैव बीन रिकमेंडिंग दैट वी मस्ट हैव अ लेफ्टिनेंट जनरल हियर एज ए गवर्नर ऑन द लाइन ऑफ अरुणाचल एंड लद्दाख। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन व्हिच मिस्टर कर्नल पठानिया सेड। ही सेड वी शुड हैव अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणाचल एंड लद्दाख इज मच मोर हियर एंड दैट जेंटलमैन हूएवर जर्नल कम्स यू नो सूटेबल जर्नल वो इस साइड को देख सकता है एंड देन वी मस्ट हैव ए एडवाइजर ऑल्सो फ्रॉम अगेन फ्रॉम द आर्मी। अभी इनके पास गवर्नर साहब के पास एक दो एडवाइज़र हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंसर्जेंसी का मिलिटेंसी का। इज़ ए पॉलिटिकल पर्सन बट हेयर एज ए स्पेशल केस वी नीड समबडी मिनिमम टू माई माइंड वन एडवाइज़र हु इज़ ओनली डीलिंग विद द सिक्योरिटी एंड इट्स कोऑर्डिनेशन। वी आर ऑल एजेंसीज विच आर वर्किंग दे आर ब्रॉट अंडर वन अम्ब्रेला एंड ही लुक्स आफ्टर दैट गिव द इनपुट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड देन ए जर्नल एज ए एक्सेप्शनल केस। पहले भी यहाँ जनरल कृष्णा रह चुके हैं, जनरल सेना रह चुके हैं, तो अभी सिचुएशन में ये बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है इसको कंसीडर करे और गवर्नर एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान जिसको पता है हु कैन इक्वली टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। कर्नल पठानिया, वन मोर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू इज अबाउट द बोथ नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान बींग न्यूक्लियर। And you know, quite often we hear कि अब जो situation है it has come to that saturation point that panic button can be pressed any time. तो in these conditions when Pakistan is already taken over by ISI and army and terror outfits also, तो we are मतलब at a danger also, a perceptible fear is also over there about this thing. देखिए nuclear power की जब हम बात करते हैं, nuclear always serves as a deterrent. It's of a deterrence value. कि भाई आप मेरे खिलाफ़ यूज़ करेंगे, मैं आपके खिलाफ़ यूज़ करूँगा, तो जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेंस है, अगर वो गलत हाथों में पड़ जाता है, आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ वॉचिंग इट एंड दे आर टेकिंग यू नो एडिक्वेट मेजर्स टू इंश्योर दैट इट डजंट फॉल टू यू नो खासकर USA इज़ वेरी वरीड अबाउट इट। सो जितने भी डेवलप्ड नेशन है, जितने पावरफुल नेशन है, दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली सो दैट possibility is very remote that you know their nuclear arsenal is taken over by the any ISI की बात कर लीजिए आप, या उसके बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बात कर लीजिए, अलकायदा की बात कर लीजिए, तो वेरी अनलाइकली बिकॉज प्रिवेंटिव मेजर्स आर बींग टेकन। व्लादिमीर पुटिन यूक्रेन एंड रशिया ही ऑल्सो ऑफन यूजेज दिस आई मीन आई थिंक इफ दिस हैपन्स इफ US डज दिस आई विल बी प्रेसिंग द बटन। देखिए ही इज़ टॉकिंग अबाउट इज सर्वाइवल ऑफ रशिया एज ए नेशन, और पिछले ये 7 महीने के करीब हो गया यूक्रेन का चल रहा है एंड ही सेज दैट इफ माय नेशनल सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड आई वुडंट माइंड यूजिंग न्यूक्लियर। एंड लेट मी टेल यू रशिया के पास इस समय सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, मोर देन इवन US। सो USA जो है आपने देखा होगा अपने बूट अभी तक वहाँ नहीं उतार रहा है, सोल्जर्स नहीं भेज रहा है, और जो इनके यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की ही इज़ बीइंग यूज्ड एंड द नेशन इज़ बीइंग रुइन्ड बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ USA। वेपन लॉबी, वेपन लॉबी इज़ ए वेरी पावरफुल लॉबी, तो उनका पर्पस अचीव हो रहा है। चाइना जो है उसको भी वो कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं USA, ये जो क्वाड बना ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वो स्ट्रेटेजिकल गेमें चल रही हैं इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर, जो डोमिनेशन की जो गेम खेली जा रही है, सो इंटरेस्टिंग गेम है। और चाइना भी आप देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रहा है, एंड इफ दिस कंटिन्यूज देन प्रोबेबली लाइक USSR देयर मे बी डिसइंटीग्रेशन इन चाइना आल्सो। कल साहब वन लास्ट क्वेश्चन, वी हैव गॉट वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू ग्लोबली इटसेल्फ, हमने जो आपने बात की है। बात करेंगे फिर से इंडिया पाकिस्तान की बिकॉज टुडे इज़ अ कारगिल दिवस, तो आई वुड लाइक टू फोकस इट ऑन ये कैन वी फियर, डू वी फियर कि अनदर कारगिल में हैपन? नो, देर इज़ नो रिमोट ऑफ द चांसेस, नो नॉट एट ऑल। एंड सेकेंडली सर, अब ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो टेररिज्म फ्रंट के ऊपर आपने नैरको टेररिज्म की भी बात की, कैन वी से मतलब वो लाइट ऑफ द डे दिखेगी जिस दिन देर विल बी अ पीस अमंग द बोथ कंट्रीज समहाउ? अनलेस जब तक आप इनकी आर्मी के पंख नहीं काटेंगे जी,
ISI के पंख नहीं काटे गए, और पॉलिटिकल सिस्टम जब तक एम्पावर नहीं होगा पाकिस्तान में, दिस सिचुएशन विल कंटिन्यू एंड इंडिया विल सफर लाइक दैट। वी हैव टू, यू सी देयर आर टू वेज, आइदर वी स्ट्रेंथन अवर सेल्फ टू दैट एक्सटेंट वेयर वी कैन, यू नो, वी कांट कीप ऑन ब्लेमिंग पाकिस्तान, वो अपना काम कर रहा है। व्हाई कांट वी सेट अवर ओन हाउस इन ऑर्डर वेयर वी डोंट परमिट पाकिस्तान टू कैरी आउट एनी मिसचीफ इन अवर कंट्री। ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना। अभी हर बार पाकिस्तान को गालियां दे दो, ब्लेम कर दो, उससे क्या निकलेगा? स्ट्रेंथन अवर ओन सिस्टम, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को स्ट्रेंथन कीजिए, अपने लोगों के अंदर विश्वास पैदा कीजिए, और जब आप उस फ्रंट पे पूरी तरह तैयार हैं तो पाकिस्तान कहाँ से आएगा? देखिए, एक मिलिटेंट जो आप ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कराते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है गाइड के जरिए LOC के ऊपर, उसके बाद दूसरा गाइड आता है, उसके बाद उनको सेफ हेवन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद उनके सिंपेथाइजर सपोर्टर हैं, वो यहीं बैठे हुए हमारी कंट्री के अंदर। जी 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 जी। लेट मी कोट यू वन थिंग, माओ ज़ेडोंग, ग्रेट, यू नो, ही स्टार्टेड दिस कंसेप्ट ऑफ इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी, ही वाज इंसर्जेंट हिमसेल्फ। वो कहता है कि इंसर्जेंट इज लाइक ए फिश एंड ही फ्लोट्स इन द वाटर विच इज कंप्राइज ऑफ द पीपल। यू सेपरेट द फिश फ्रॉम द वाटर। इन अदर वे, अगर आप लोगों से इंसर्जेंट को अलग कर दें जी, तो अपने मर जाएगा। yes. तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के ऊपर, एंड देन वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव। अवर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग हैज़ टू बी इन ए यूनिफाइड काइंड ऑफ ए कमांड कंसेप्ट विच इज़ इनवोक बट नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, एंड देर हैज़ टू बी ए सेंट्रल, यू नो, मॉनिटरिंग, इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, फॉर विच एज आई सेड यू आई एम रिकमेंडिंग दैट ए सिक्योरिटी एडवाइजर इज अ मस्ट। एग्जैक्टली, अदरवाइज गवर्नर के पास, इससे मैं क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक या दो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। कैन यू रन 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो हमारा जम्मू रीजन में है, और उसके बाद तकरीबन 16 जो है 42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.5 करोड़, विद वन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड वन एडवाइजर और टू एडवाइजर, नॉट पॉसिबल। सिस्टम विल सफर। हमारा सिस्टम आस्ते आस्ते जो है सफर कर रहा है। डेवलपमेंट विल इफेक्टिव एंड इट विल ऑल्सो लीड टू द एनहांसमेंट ऑफ मिलिटेंसी एंड नार्को टेररिज्म। वेरी ट्रू। आई नीड नॉट टू रिपीट वॉट कर्नल पठानिया हैज सेड अबाउट जम्मू एंड कश्मीर एंड द रिप्लेसमेंट्स अबाउट ही हैज टोल्ड एंड अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान द सिचुएशन। वॉट इंपॉर्टेंट थिंग ही हैज सेड, वी नीड टू सेट अवर हाउस इन ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन मैनी केसेज। कर्नल पठानिया ने बहुत कुछ इस बारे में बता दिया, और करगिल के बारे में बताया कि देर इज रिमोटेस्ट, देर इज नो चांस ऑफ रिपीटिंग ऑफ करगिल वंस अगेन। बट शहीदों को नमन, जिन्होंने 527 शहीद जिन्होंने अपनी बलिदान देकर हमको वापस हिंदुस्तान का वो जो पीस था वापस ले लिया पाकिस्तान से। और अब जो कर्नल पठानिया ने बातें बताई हैं हमें अबाउट एंटायर थिंग्स अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया और उनके आपस के बीच में ताल्लुकात, और ये पीस कैसे प्रिवेल कर सकती है अनटिल अनलेस द विंग्स ऑफ आर्मी एज वेल एज ISI इज़ नॉट क्लिप्ड इन पाकिस्तान, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्लिप दोज रिंग्स, ये हमें देखना पड़ेगा आने वाले वक्तों का। लेकिन कर्नल पठानिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमको इन्फॉर्मेशन। थैंक यू टू द TF ऑफ इंडिया। गॉड ब्लेस यू।